ਤੇਰੇ ਸਭ ਬੱਤੀ ਬੋਰ ਥੱਲੇ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਬੈਠੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚੁਣਵੇਂ ਜੇ ਯਾਰ ਅਸਰੋ ਕਰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੇ ਜਬ ਜੇ ਆਉ ਬੋਰ ਵਾਂਗੂ ਜਦਾ ਬੰਦ ਟੁਕੀ भाई गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और भाई आज की सुबह की अच्छी से शुरुआत करते हैं। और आज कोई मोटो व्लॉग नहीं होने वाला क्योंकि मैं जा रहा हूँ दो दिन के लिए शूट पे। और शूट पे किन के साथ? जो महम के एमएलए हैं बलराज कुंडू जी, तो उनके साथ मैं शूट पे जा रहा हूँ। तो हाँ भी वहाँ पर मैं जॉब करता हूँ और महीने में 4-5 बार मेरे को जाना होता है। तो आज मैं दो दिन के लिए अपना बैग पैक किया है और अपनी बुलेट लेके जाएंगे उनके ऑफिस तक। तो वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे अपनी बाइक को और फिर उनके साथ हम निकलेंगे उनकी गाड़ी में। और फर्स्ट टाइम ऐसा कोई व्लॉग शूट कर रहा हूँ। पहले जन जागृति यात्रा हुई थी तो उसमें शूट किया था उनके साथ, उसके अलावा अभी तक तो मैंने किया नहीं है। तो भाई अभी शूट करेंगे उनके साथ आज एक दो व्लॉग, क्योंकि बीच में गैप आ जाएगा। कल भी कुछ वीडियो शूट नहीं हो पाई थी और दो दिन का गैप ही आ जाएगा। मैंने सोचा कुछ ना कुछ दिखाई देते हैं अपना डेली शेड्यूल में कि हम क्या क्या करते हैं। तो चलिए आज के दिन को शुरू करते हैं। और मेरे को उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को भी उतना ही पसंद करेंगे जितना मेरी बाकी की वीडियोस को पसंद करते हैं। 2000 years later। तो भाई वीडियो की स्टार्टिंग मैंने कल ही की थी और बाकी आपको तो पता भी नहीं लगेगा भाई ये कल की है कि नेक्स्ट डे की, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो भाई हम चंडीगढ़ आ गए थे और पता नहीं था एकदम से चंडीगढ़ का प्लान हो गया। तो अगर भाई हम चंडीगढ़ आए हैं तो सुखना लेक ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी अपने एमएलए जी हैं वो थोड़ा सा काम के लिए बाहर गए, तब तक मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा घूमाते और हम जाएंगे पायलट वाली गाड़ी में और अपने साथ रविंदर भाई हैं। तो अभी 1-1.5 घंटा है हमारे पास, आराम से घूम के आएँगे और भाई ड्राइव करेंगे आज पायलट वाली गाड़ी को। और पिछले 1-2 दिन से मैं इस पे हाथ जमा हुआ मेरा। और भाई अभी अपना निकलते हैं, आपसे डायरेक्ट सुखना लेक पे मिलते हैं भाई। अभी आ चुके हैं सुखना लेक पे और गाड़ी हमने उधर लगा दी है और इधर से अपनी एंट्री हुई है पार्किंग की। और भाई दो चाबियां अपनी गाड़ी की, कितनी प्यारी है यार ये चाबी, जबरदस्त है, राजा गाड़ी है भाई, बिल्कुल स्कॉर्पियो। और अभी अपने जाएंगे सुखना लेक पे, एंट्री करेंगे। और भाई ये गाड़ी लेके आने का फायदा कोई पार्किंग चार्जेस कुछ नहीं लगे, सलाम और किया दो बार, अलग ही फील है यार, अलग से मतलब फील होता है कि हाँ इस जगह पे बैठे हो आप, तो उसके ऊपर पायलट लिखा हुआ है तो वो बहुत काम की चीज़ है। अभी अपनी एंट्री हो चुकी है लेक पे और इधर क्या क्या चीज़ें हैं तो इधर सारी मेंशन की हुई हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पोज कर लेना तो दिख जाएगा। तो इधर से भाई अपनी मेन एंट्री है तो आप चेकआउट करो भाई इधर का नज़ारा। तो भाई काफ़ी ज़्यादा रौनक है, खाने पीने की जगह है, सारी चीज़ें इधर अवेलेबल हैं, उस साइड अपना झूले वगैरह सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे व्यू चेक करो, लोग बोटिंग कर रहे हैं और काफी ज्यादा सही व्यू है भाई यहाँ पे। तो शाम का टाइम है, भीड़ शुरू हो चुकी है तो अभी थोड़ी सी शाम और होती है और भी ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो भाई लोग इधर बोटिंग वगैरह कर रहे हैं तो भाई धीरे धीरे चलते चलते जाएंगे और लास्ट तक जाएंगे, उधर बिल्कुल दूसरा कॉर्नर है जो वहाँ पे, उधर तक हम जाएंगे और इस रास्ते से। तो भाई चलो अभी निकलते हैं, इतनी दूर जाके वहाँ पर जाना पड़ेगा तब जाके हम जो मेन एंट्री है वहाँ पर पहुँचेंगे। और तो भाई पीछे मैं आपको कसौली दिखा सकता हूँ, ये देखो ये जो ऊपर दिख रही है पहाड़ियाँ, तो ये है कसौली की पहाड़ियाँ। और भाई लिटरली यहाँ पे जो व्यू है ना इतना ज़बरदस्त, अल्टीमेट है। और अभी 5 बज चुके हैं शाम के, तो भाई सुकून मिलता है यार ऐसे ऐसी जगह पे आके, इतना मज़ा आता है, मतलब ठंडी ठंडी हवा लग रही है,
हल्की हल्की धूप और व्यू चेक करो यार, कितना प्यारा है, कितना ही सही है ये देखो, जबरदस्त यार। तो भाई अभी लोग आना शुरू हो चुके हैं क्योंकि शाम हो चुके हैं भाई, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, तो हम भी ऐसे ही रेंडमली घूम रहे हैं। और यार पीछे का व्यू इतना ज़्यादा ज़बरदस्त आ रहा है, ये देखो कितना ही अल्टीमेट है। चेकआउट करो कितने ही प्यारे लग रहे हैं फ्लावर्स, और ये तो कुछ भी नहीं है, दूसरी साइड अगर हम एंट्री करते उस साइड तो उधर तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मतलब जो व्यू है लेक का वो है। और भाई दो दिन से कुछ वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं डाली थी, तो सोचा इधर आए हैं तो थोड़ा बहुत कुछ तो बना के डाल ही देते हैं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो कुछ तो डाल ही सकते हैं हम। और भाई यहाँ से जो लेक का एक्स्ट्रा वाटर है ओवर फ्लो, तो उसको यहाँ से निकाला जाता है, डैम टाइप बना रखा है यहाँ पे, तो उधर से एक्स्ट्रा पानी आता है, और उधर जो ड्रेन बना रखी है तो इसके थ्रू यहाँ से निकल जाता है। तो सोचा किसी ने ये चीज़ नहीं दिखाई होगी, आई थिंक वीडियो में मैंने अभी तक तो देखी नहीं है, एंट्री वगैरह किसी ने दिखाई है, एग्जिट हम दिखा रहे हैं, और भाई ये ड्रेन वाला सिस्टम भी हमें दिखा रहे हैं, और कोई अभी तक मैंने वीडियो देखी नहीं है यूट्यूब पे जिसमें ये दिखाया है, तो कुछ तो अलग दिखाया आज की वीडियो में मैंने आप सबको। तो भाई काफ़ी ज़्यादा लंबा अपना ये रूट रहा, मतलब जो भी है काफ़ी ज़्यादा लंबा अपना पैदल घूमे हम, करीब करीब 2-2.5 किलोमीटर। और तो अभी वीडियो को और लंबा नहीं खींचेंगे, तो भाई अभी हम वापस चलते हैं MLA हॉस्टल, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं भाई। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और भाई नेक्स्ट वीडियो में मैं एक स्पेशल बाइक का रिव्यू करूंगा, और मेरा प्लान भी है उसको परचेज़ करने का, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। और कोई गैस करना चाहे तो कर सकता है, एडवेंचर कैटेगरी में मैं स्विच करूंगा। और तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय।